नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जल्द आएगी देश की एक बेस्ट सेलिंग कार। नया मॉडल आ रहा है शानदार एसयूवी कार का, पहले से ज्यादा होगी दमदार और होगी बहुत ही कम कीमत के साथ बेहतरीन माइलेज भी। मारुति सुजुकी की बजट रेंज के अल्टो का प्रीमियम मॉडल दिवाली के आसपास जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, न्यू अल्टो दिसंबर 2020 में डेब्यू करी जाएगी। वहीं भारत में इस कार को साल के अंत में या नए साल की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अल्टो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक मानी जाती है और इसका जलवा पूरे भारत देश में फैला हुआ है। मौजूदा समय के मॉडल की तुलना में न्यू अल्टो ज्यादा लंबी हो सकती है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर्स और प्राइस के बारे में। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर डिजाइन और इंटीरियर की बात करें तो न्यू सुजुकी अल्टो में न्यू डिजाइन का ग्रिल देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार में आपको अपडेटेड बम्पर और रीडिजाइन हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, जो कि एलईडी डे लाइट्स और एलईडी हेडलैम्प्स के साथ न्यू एलईडी डेयर एस के साथ आएंगे। न्यू अल्टो न्यू डिजाइन वाले व्हील्स अपडेटेड बम्पर के साथ आती है। हैचबैक के हायर वेरियंट में आपको टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन अल्टो को न्यू हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ट बनाई गई है। कार कंपनी का कहना है कि अल्ट्रा और एडवांस हाई स्ट्रिंग स्टील्स का आपको इस गाड़ी में इस्तेमाल देखने को मिलेगा, जो कि इस नए मॉडल के डिजाइन को बेहद ही शानदार और एक स्पोर्टी आकर्षक लुक देने में मदद करेगा। अगर दोस्तों कीमत को लेकर बात करें तो कॉस्मेटिक चेंज, फीचर्स अपग्रेड्स और न्यू प्लेटफॉर्म के साथ मारुति अल्टो की कीमत में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौजूदा समय में इस हैचबैक मॉडल के लाइनअप की प्राइस टॉप वेरियंट की लगभग 4 लाख है और बेस वेरियंट की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है, तो न्यू अल्टो की कीमत लगभग 3 लाख रुपए से शुरू होगी, जो कि 5 लाख रुपए टॉप मॉडल जाने की संभावना है। अगर दोस्तों हम बात करें इस गाड़ी के इंजन की तो जापान में नेक्स्ट जनरेशन सुजुकी अल्टो तकरीबन 1000 सीसी इंजन के साथ आती है। ये इंजन 80 पीएस का पावर जनरेट करता है। वही हैचबैक का स्पोर्टी वर्जन भी आएगा जिसमें आपको टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 2021 मारुति सुजुकी अल्टो की न्यू जनरेशन मॉडल में आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंजन एएमटी यानी कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा और साथ ही मैनुअल ऑप्शन के रूप में आपको मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स को लेकर अगर बात करें तो न्यू अल्टो में आपको स्टैंडर्ड रूप से ब्लैक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर देखने को मिलेंगे, जो कि अल्टो के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के ड्राइवर हेयर बैग्स ईपीटी के साथ एपीएस रिवर्स पार्किंग सेंसर्स कोड ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड एनल सिस्टम शामिल है। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये न्यू जनरेशन अल्टो का नया मॉडल कैसा लगा। क्या आप इसको बुक करवाने में इंटरेस्टेड है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।